सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव के अगेंस्ट में लखनऊ ईडी ने केस रजिस्टर कर दिया फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अभी जो ईडी है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्विस यादव को समन भेजने के लिए। अगर उनको समन भेजा जाता है देन फिर एल्विस यादव को जाना होगा, उनके साथ पूछताछ किया जाएगा ना। बता दो, ईडी का जो केस रहता है ना वो थोड़ा सा डेंजरस ही होता है, क्योंकि बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आपको बता हुआ, रिसेंट टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ईडी ने अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है, उनको बेल नहीं मिला है। और जो एल्विस यादव अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किए थे ये वाला, नीचे कैप्शन में वो ऐसे हेटर्स के ऊपर रिएक्ट करे ना, वो कहे, यूं ही नहीं जलते लोग हमसे, हमारे काबिलियत के किस्से दुनिया भर में मशहूर है। और जब एल्विस यादव का बात हो रहा है तो बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को भी अभी थोड़ा सा हेट मिल रहा है। एंड ऑल्सो एक यूट्यूबर ने उनके अगेंस्ट में एक पोस्ट किया है ना, क्यों वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको बता हुआ, कुछ टाइम पहले कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज आया था कि जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाया एस्ट्राजेनेका, उन्होंने एक्सेप्ट किया यूके के एक कोर्ट में कि हां, कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से रेयर किस्म का साइड इफेक्ट होता है, ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अगर लाखों लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है देन फिर 0.0001 कितना परसेंटेज रहता है कि वो जो साइड इफेक्ट है वो उसको हो। इसके बाद आपको पता होगा, जैसे ये न्यूज बाहर आया कोविशील्ड वाला, बहुत सारे मीम्स बनने लगे ना, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाया उनके ऊपर जो मीम्स वगैरह बनने लगे, अब तो गया भाई तू ऐसा ऐसा। ऐसा ही फुकरा इंसान भी एक रील पोस्ट किए थे आदर्श यूसी के साथ, आप देख सकते हो ना स्क्रीन पर। वो आदर्श यूसी को उस वीडियो में गार्लैंड पहनाते हैं, लिखते हैं गलती से कोविशील्ड वैक्सीन लगवा ली थी। तो फुकरा इंसान के उसी पोस्ट के नीचे ना काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा सेंसिटिव कंटेंट रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन पोस्ट करना सही नहीं है, पब्लिक बेमतलब में डर जाएंगे, हेल्थ एंड मेडिसिन इज नो जोक। वैसा ही सिमिलर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर कंटेंट मत बनाओ, मीम्स मत बनाओ। इसी तरीके के काफी सारे कमेंट्स है, आप देख सकते हो। और जो एक यूट्यूबर इंजीनियर रिवील्स एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए ना, दिस गाय अभिषेक मल्हान गोस टू वृंदावन, ही रिसीव्ड गार्लैंड एज ऑफरिंग, फ्लॉन्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड देन ही यूज्ड दैट गार्लैंड टू क्रिएट मीम ऑन कोविशील्ड एंड स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन एंड फियर मॉन्गरिंग, हैव सम शेम ब्रो, दैट गार्लैंड इज नॉट योर मीम मटेरियल। बेसिकली यहाँ पे वो बताया ना, वो कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे, उनको गार्लैंड दिया गया था एज ऑफरिंग एंड वही गार्लैंड को वो मीम बनाने के लिए यूज करते कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ना, इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा एंड लोग डरेंगे। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कॉमेंट करके जरूर से बताना। और फुकरा इंसान रिएक्ट करे वायरल वड़ा पाव गर्ल के बारे में। आपको बताओ, ये अभी इंटरनेट पे छाई हुई है। रिसेंटली इनके बेटे के बर्थडे के दिन ये भंडारा की थी बिजी रोड में, जिसकी वजह से पुलिस उनको ले गए थे। और कल एक और वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे उनको पुलिस ले जा रहे थे फिर से, उसका रीजन पता नहीं है क्यों ले जा रहे थे कल। तो ये सब चीजों के ऊपर फुकरा इंसान रिएक्ट करे ना, वो क्या कहे आप देखिए। भाई कसम से इसने मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर दिया है भाई, इनके अलग ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है। इसका कोलैब चल रहा है डॉली टपरी चाय वाला के साथ, डॉली टपरी चाय वाला दुबई जा रहा है, उसके बाद ये खुद ही अपनी चुन्नी हटा के, तूने मेरी चुन्नी फेंक दी, ये वो, उसके बाद इसको मैंने सुना जेल हो गई। जेल इसलिए हुई क्योंकि वहां पर भंडारा कर रही थी। क्या 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 चल रहा है भाई, ये सब हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू द एमसीडी रूल्स एंड एवरीथिंग जो भी है, तुम लोगों को समझना चाहिए, अगर उसकी इतनी ज्यादा सेल है और अच्छा माल वहाँ पर बिक रहा है और वहाँ रश लग रहा है, तो आप एक दुकान ले लो, जो आप वड़ा पाव बेचते हो उसमें टेस्ट है, तो लोग वहाँ भी आएंगे ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों लोग किसी को परेशान करना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करो ना यार इस चीज को। ये क्या चल रहा है, मतलब वायरल वड़ा पाव को अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है मेरे को उसके लिए बड़ा बुरा लगता है कि यार बेचारी को अरेस्ट कर लिया, भंडारा तो करती, ठीक है दैट इज ऑल्सो पॉइंट, बट अगर आप 50,000 रुपए रिबन काटने के लिए ले रहे हो और इतने सारा माल बेच रहे हो और आपके पास अगर टाइम है, पैसा है, चीजें हैं, तो भाई दुकान खोल लो ना, क्या तकलीफ है, क्यों सबको परेशान करो, वो बेचारे जो लोग रोड पे रह रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, मत करवाओ उन्हें परेशान। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक वायरल वीडियो के बारे में। तो इस वायरल वीडियो में जज एंड लॉयर के बीच में कलेश हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो लॉयर थे वो गुटखा खा रहे थे। यस, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। ब्रश करके आया सॉरी, यू आर चीविंग पान इन द कोर्ट, नो नो दिस इज नॉट, नो देन व्हाट, बबल गम, हॉस्पिटल बेड से नीचे कैप्शन में वो लिखते हैं टुगेदर इन सिकनेस एंड इन हेल्थ लिटरली। तो अभी ट्रोल क्यों किया जा रहा है, मैं कुछ कॉमेंट्स रीड कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। हॉस्पिटल में तो रेस्ट करो, वहाँ से भी शो ऑफ करना है इनको। एक जन लिखा था अटेंशन सीकिंग कपल इवन इन हॉस्पिटल, एक जन लिखा था अबे दोनों पीट किया होगा आपस में, एक जन लिखा क्या क्या करना पड़ रहा है बिग बॉस की इमेज क्लीनिंग के लिए, एक जन लिखा था डू इल पीपल रियली हैव एनर्जी टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद के एक नए ड्रेस के ऊपर समंथा रूथ प्रभु रिएक्ट कर, कौन सा न्यू ड्रेस आप देख सकते हो, उर्फी जावेद ने जो पहना हुआ उसी को समंथा रूथ प्रभु शेयर करते हुए लिखी ब्यूटीफुल एंड वो टैग की ना उर्फी जावेद को, तो उसी के ऊपर उर्फी जावेद रिएक्ट करते हुए कही समंथा रूथ प्रभु इज द स्वीटेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैदराबाद के एक बंदे के बारे में, जिसने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया
उसने ए बी सी डी जेड तक नहीं बल्कि जेड से ए तक उल्टा टाइप किया, वो भी कितने सेकंड में, 2.88 सेकंड्स। यस, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो वीडियो अपलोड किया ना अपने चैनल पर, जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना उनका नाम है एस के अशरफ। देख सकते हो यार वो कितना फास्ट टाइप किया ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के कल के मैच के बारे में। कल पहले बैटिंग किए थे कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने 19.5 ओवर में 169 रन मारे ना, लेकिन मुंबई इंडियंस वो चेज नहीं कर पाए। यस, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया ना, तो कल के मैच के बाद अभी फिर से टॉस फिक्सिंग का एलिगेशन लग रहा आईपीएल के ऊपर। यस, आपको पता होगा पहले भी आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का जब मैच हुआ था उस टाइम पे जो कॉइन है वो मैच रेफरी पिक कर लिए थे, एंड एलिगेशन लग रहे थे कि उन्होंने कॉइन को ऐसे फ्लिप करके दिखाया ऐसा कुछ, ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था। इसके बाद जो कैमरामैन है वो पूरा जूम करके दिखाने लगे जब टॉस होता था, बट कल के मैच में क्या हुआ ना, जैसे टॉस हुआ कैमरामैन के जूम करने से पहले ही जो मैच रेफरी थे उन्होंने कॉइन को पिक कर लिया एंड मुंबई इंडियंस टॉस जीत गए। एंड कल मैच हो रहा था वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, तो वही एलिगेशन लग रहे ना टॉस फिक्सिंग का। काफी सारे लोग वही कमेंट्स कर रहे हैं, भाई आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के मैच के टाइम ही ऐसा क्यों होता है, कैमरामैन के जूम करने से पहले क्यों कॉइन को उठाया गया, यही सब एलिगेशन लग रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताना। और कल के मैच के बाद भाई मुंबई इंडियंस का कोई भी चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, 0.000 कितना परसेंटेज है। और जो बता दो कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 12 साल बाद हराया। यस, मुंबई इंडियंस को पिछले 12 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स वानखेड़े स्टेडियम में नहीं हरा पाए थे। आज कल के मैच में क्या हो जाता, लसित मलिंगा मिलते हैं उनके लुक अलाइक से। यस, उनके जैसे ही दिखने वाला एक जन से वो मिलते हैं, आप देख सकते हो उसके बाल वाल भी एकदम सेम है। लसित मलिंगा उनको मुंबई इंडियंस का एक जर्सी भी गिफ्ट करते हैं। और जब क्रिकेट का बात हो रही है तो बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो अगर विराट कोहली क्रिकेटर ना होते तो वो क्या कर रहे होते अभी, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया था ना तो वो कहे वो बिजनेस करते। और जो बताते क्रिकेट के बिना अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो फिर लोग मुझे 200% बेवकूफ बनाते। फिर वो बताते ना लेकिन मैं अभी काफी सीख चुका हूँ बिजनेस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, बिहार पुलिस के बारे में। तो बिहार पुलिस एक वीडियो शेयर की, आप देख सकते हो एक बंदा बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है एंड वो किस तरीके से चला रहा है आप देख सकते हो, एंड पीछे आप देख सकते हो बिहार पुलिस का गाड़ी है भाई, वो उसको देखा नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। इसके बाद होना क्या था भाई, उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया और उसको अभी चालान भी भरना पड़ेगा। बिहार पुलिस उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखे, यातायात नियमों का उल्लंघन कर सोच रहे हो हीरो बन गया, थोड़ा रुकिए जनाब, बिहार पुलिस को है आपका ही इंतजार, वाहन चलाते समय स्टंटबाजी करना दंडनीय अपराध है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी एक वीडियो शेयर किए जहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में एक बड़े स्क्रीन पर उनका वीडियो चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे ना बड़े स्क्रीन पर, तो उसी को शेयर करते हुए ध्रुव राठी लिखे, सेव आर डेमोक्रेसी, सेव आर कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया, हैशटैग मिशन 100 करोड़। और हर्ष ढाका जो कि लक्ष्य चौधरी के दोस्त है, वो ध्रुव राठी को पोक करते हुए ट्वीट किए, कोई मेरे फैक्ट्स को काउंटर करेगा तो साले का रिप्लाई हाइड कर दूंगा। क्या हो रहा है, जो ध्रुव राठी ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं उसको जब कोई काउंटर कर रहा है तो कुछ कुछ ट्वीट्स को वो हाइड कर दे, तो वही यहाँ पे वो बता रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि गुजरात से काफी शॉकिंग न्यूज है भाई। तो एक बंदा जयंती भाई नाम का, जो कि 31 साल का है, वो जीतू भाई के घर पे एक पार्सल भेजता है। पार्सल जब उन्होंने खोला तब वहाँ पे टेप रिकॉर्डर टाइप का कुछ था, एंड जैसे उन्होंने प्लग इन किया ना वो जो टेप रिकॉर्डर है वो एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से जीतू भाई का तो वहीं पे स्पॉट में डेथ हो गया एंड उनकी एक बेटी काफी सीरियसली इंजर्ड हो गई, जब ले जा रहे थे हॉस्पिटल उनका हो जाता है। और जो जीतू भाई की और भी दो बेटियां हैं उनको भी काफी सीरियस इंजरीज आई है भाई, एक जन का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, एक जन वेंटिलेटर सपोर्ट में। अब ऐसा जयंती भाई ने जीतू भाई के साथ क्यों किया, एलिजेटली जयंती भाई का जीतू भाई की वाइफ के साथ अफेयर था, इसलिए उसने मारने का इंटेंशन से ही वो पार्सल भेजा था जिसमें टेप रिकॉर्डर था एंड जैसे प्लग इन किया वो एक्सप्लोड हो गया ना। उस टाइम पे जीतू भाई की वाइफ घर पे नहीं थी, वो जो पैकेज है वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने डिलीवर किया था बता दूं, जिसको कि अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया। और जो बता दो जयंती भाई को कुछ घंटे बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंस्टाग्राम के बारे में। तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में एंड आल्सो अननेम्ड पर्संस के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया, क्यों, फॉर होस्टिंग एलिजेड इनडिसेंट वीडियोस इन्वॉल्विंग माइनर्स। यस, किसने पोस्ट किया था माइनर्स के साथ वीडियो यहाँ पे वो बताया तो नहीं गया, उनके अगेंस्ट में तो केस रजिस्टर हो चुका है, साथ ही इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में भी, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर वैसे कॉन्टेंट को अलाउ क्यों किया। अब वो जो वीडियोस थे वो कैसे टाइप के वीडियोस थे भाई, अब वो ऐसा क्या था भाई वीडियो में। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एक मदर अपने माइनर चाइल्ड के साथ पता नहीं किसिंग चैलेंज टाइप का कुछ तो वो कर रही थी, इसी की वजह से पुलिस ने सीआरपीसी नोटिस भी भेज दिया इंस्टाग्राम को। बता दूं वो जो सीआरपीसी नोटिस उन्होंने भेजा उसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया इंस्टाग्राम की तरफ से। वही यहाँ पे इंस्टाग्राम का कहना है कि जिस यूजर ने वो वीडियो अपलोड किया था वो हटा दिया, उसने डिलीट कर दिया अभी। और जो मेटा के स्पोक्स पर्सन बताए, हम एक्शन लेते हैं जो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं या फिर लोकल लॉ को भी कोई वायलेट करता है, फिर हम उस कॉन्टेंट के ऊपर भी एक्शन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो रुहेज के बारे में। तो टेक्नो रुहेज एक बहुत ही लंबा ट्वीट किया ना अपने चैनल से रिलेटेड, वो बताया
रहा है कि लास्ट 3 ईयर से उनके चैनल पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर्स ग्रोथ, और उनके व्यूज पहले 1 लाख से ज्यादा आते थे, अभी काफी कम आ रहे हैं, उनका रीच एकदम से कम हो गया है ना। मैं एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ के सुनाता हूँ, पिछले काफी सालों से मैं ये झेल रहा हूँ, फिर भी मैं डेली वीडियोज अपलोड करता हूँ, अपने आप को हर हाल में दिलासा देता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं अब काम कंटिन्यू किया, वरना मैं टेक्नो रोहित चैनल शट डाउन कर देता, क्योंकि जिस कंडीशन में अब हमारा चैनल है उसको बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं हर तरीके के वीडियोज अपलोड करता हूँ, कंसिस्टेंट रहता हूँ, सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूँ, न्यू अनबॉक्सिंग्स एंड न्यू स्टाइल वीडियोज डालने की कोशिश करता हूँ, हर 6 महीने में स्टूडियो चेंज करता हूँ, वीडियोज में थोड़ा ह्यूमर कॉमेडी भी एड करता हूँ, टेक न्यूज कवर करता हूँ, फिर भी मेरा चैनल का ये हाल है। पिछले 9 साल से मैंने बहुत मेहनत करी है अपने चैनल पर, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं है। वैसे मैंने सुना था कि इंसान के 2 वक्त होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, मेरा फिलहाल बुरा वक्त चल रहा है। मैं फिलहाल सब्र से काम लूंगा और उम्मीद है आप लोग प्यार और सपोर्ट पूरा देंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब एक ओजी चैनल टेक्नो रोहित यूट्यूब से गायब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी के कमेंट सेक्शन की वजह से एक शादी होने वाला है। बेसिकली लक्ष्य चौधरी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था, ठीक है, वहाँ पे एक जन रिप्लाई किया था कि मैं और वाई यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाम मेंशन नहीं किया गया ना, मैं और वाई 2 साल पहले ही रिलेशनशिप में आए थे, हम दोनों एक दूसरे से तुम्हारे कमेंट सेक्शन से मिले थे और हमारे रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो गए, आज हमारा रोका हुआ और नवंबर के टाइम हमारी शादी है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच, आई विश ऐसे ही सबके जोड़े बने तुम्हारे कमेंट सेक्शन से, तुम भले एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनो ना बनो लेकिन एक सक्सेसफुल बिछोलिया जरूर बनोगे। तो उसी के ऊपर लक्ष्य चौधरी रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, लक्ष्य चौधरी ने बना दी जोड़ी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फोक सिंगर दर्शनम मोगलाया के बारे में। बता दूं इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला था बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर हिज इनोवेटिव वर्क इन रीइन्वेंटिंग द रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किन्नेरा। उनको उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए भी मिला था ना, लेकिन रिसेंटली वो दिखे वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। वो बताया ना उनका जो 1 करोड़ रुपए वो फैमिली इमरजेंसीज में वो खर्च किए, वो खुद बीमार है, ऑल्सो उनके एक बेटे भी बीमार है, महीने का 7,000 रुपए लगता है दवाई में, और उन्होंने शादी वगैरह भी किया अपने बच्चों का, ऑल्सो बताया ना कि उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा हुआ है। तो ये सब करते करते ना 1 करोड़ रुपए खत्म हो गए, तो इसलिए वो अभी डेली वेज लेबरर के हिसाब से काम कर रहे हैं, और उनको 10,000 रुपए महीने का ऑनरेरियम भी मिलता था, लेकिन वो भी अभी बंद हो चुका है, तो इसलिए उनके पास अभी कोई चारा नहीं है, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पे डेली वेजर का काम कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है मुंबई से भाई। एक 22 साल की लड़की का एक बंदा करता है, वो जो बंदा उसकी जो वाइफ है वो वीडियो शूट कर रही थी, यस, एंड जो वाइफ है वो ब्यूटीशियन है, ठीक है, वो जो ब्यूटीशियन है एंड जो 22 साल की लड़की जो विक्टिम है वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। तो क्या होता है, जो ब्यूटीशियन है वो 22 साल की लड़की को अपने घर बुलाती है, एंड जो 22 साल की लड़की है वो ब्यूटीशियन के घर पे आती है, फिर वो जो ब्यूटीशियन है वो ड्रिंक ऑफर करती है उसको, एंड वो पीती भी है, ठीक है, एंड इसके बाद वो पार्शियली अपना कॉन्शियसनेस खो देती है, पूरा बेहोश नहीं हो गई थी लेकिन थोड़ा बहुत वो खो देती है। इसके बाद वो जो ब्यूटीशियन के हस्बैंड है वो उस लड़की का करता है, जो ब्यूटीशियन है वो वीडियो रिकॉर्ड करती है। इसके बाद क्या होता है, 22 साल की लड़की को जब होश आया उसको पता चला कि उसका जो रेप हो चुका है, एंड आल्सो वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद जो ब्यूटीशियन है वो 10,000 रुपए मांगती है वो 22 साल की लड़की से, वो बताती है ना अगर 10,000 रुपए नहीं दोगी तो फिर वीडियो सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन वो ना मना कर देती है पैसे देने से। इसके बाद दोनों ही ब्यूटीशियन एंड उसके हस्बैंड मिलकर उसको बहुत ज्यादा असॉल्ट करते हैं। इसके बाद क्या था, वो 22 साल की लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया बाद में, वो ब्यूटीशियन को तो तुरंत से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो जो हस्बैंड है वो अभी भागा हुआ है, उसको पुलिस ढूंढ रहा है ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।